नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की सीएम जयललिता की हालत नाजुक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, एम्स के डॉक्टरों की टीम आज जाएगी चेन्नई। कल जयललिता को पड़ा था दिल का दौरा। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर जुटे जयललिता समर्थक, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। अर्धसैनिक बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। शीतकालीन सत्र का चौथा हफ्ता भी चढ़ सकता है हंगामे की भेंट। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने की बैठक, वोटिंग कराने पर अड़ा विपक्ष। नोटबंदी के 27 दिन बाद भी लोगों को राहत नहीं। साप्ताहिक छुट्टी के बाद आज खुले बैंक, एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली के एक्सिस बैंक के दो मैनेजर गिरफ्तार, प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। 40 करोड़ का कालाधन सफेद करने का है आरोप। दिल्ली के रिठाला में देर रात झुग्गियों में लगी भीषण आग, करीब 800 झुग्गियां जलकर खाक। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पानी पानी हुआ पाकिस्तान। पीएम मोदी और अफगान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को घेरा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।